ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया सरयस अय्यर और शुभमन गिल का तूफान उड़ाए ऑस्ट्रेलिया की टीम के परकच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल और उनके साथ सरयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा दिए हैं। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट इस मुकाबले का बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देख कर खुश है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने, लेकिन गिरा आज स्टीव स्मिथ के पक्ष में। स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, तो वहीं पर टीम इंडिया में भी जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया तो उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। वहीं पर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे शुभमन गिल, लेकिन पारी की पहली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों, इसी ओवर में एक वाइड का पंजाब भी टीम इंडिया को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले ओवर में ही 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम के लिए पहला झटका चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लगा, जब जॉस हेजलवुड की गेंद ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों पर चली गई और यहाँ पर 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने ऋतुराज गायकवाड़। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज सरयस अय्यर उतरे तो उन्होंने पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी पैरों पर गेंद थी, जिसको शानदार तरीके से उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला सरयस अय्यर के बल्ले से और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद छठे ओवर की पांचवी गेंद पर भी सरयस अय्यर ने हेजलवुड की गेंद को एक बार फिर शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एबर्ट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और विडोप की तरफ एबर्ट की गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जॉस हेजलवुड की गेंद पर लगाया। इसके बाद काफी देर से शांत नजर आ रहे शुभमन गिल ने नौवें ओवर में अपने तेवर दिखाए और एबर्ट की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 72 मीटर का कमाल का छक्का जड़ा और अपना आज का पहला बाउंड्री जड़ दी और साथ ही इस मुकाबले का भी ये पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों, नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां पर उन्होंने स्टेप डाउन करके गेंद को चौके के लिए भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दसवें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट कैमरून ग्रीन की गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों, दसवें ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह छक्का सिर्फ फाइन लेग के ऊपर गया, 60 मीटर का छक्का था, लेकिन यह कमाल का शॉट था। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर एक बार फिर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने तब तक 9.5 ओवर में 79 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर। गिल 32 तो सरयस अय्यर 34 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों, क्या लगता है बारिश के बाद इन दोनों बल्लेबाजों में से आपको कौन लगता है कि शतक तक पहुंचेगा? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।